तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने सैमसंग के मोबाइल में जो है ब्लूटूथ प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जो है अपने फोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। गाइस, सेटिंग ओपन कर लेने के बाद जो है आपको यहाँ से स्क्रॉल कर देना है। गाइस, स्क्रॉल कर देने के बाद जो है आपको यहाँ पर अबाउट फोन का ऑप्शन दिख जाता है। तो गाइस, आपको जो है इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। गाइस, इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक करके यहाँ से रिसेट नेटवर्क सेटिंग्स पर क्लिक करके आपको यहाँ से रिसेट सेटिंग्स पर क्लिक करके आपको यहाँ से रिसेट कर लेना है। तो इस तरीके से आपके सैमसंग के मोबाइल में जो भी ब्लूटूथ प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाता है। तो गाइस, हमारी आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और थैंक यू।